हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विद रिंकी। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम हेलिक्राइसम के सीड्स कैसे कलेक्ट कर सकते हैं या पेपर फ्लावर के सीड्स कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो प्लांट देख रहे हैं आप, ये हेलिक्राइसम का प्लांट है जिसको प्लांट के नाम से भी जानते हैं। तो इसका साइंटिफिक नेम तो हेलिक्राइसम है, बट इसको कॉमन नेम है वो ये पेपर फ्लावर है, पेपर फ्लावर प्लांट। क्योंकि पेपर फ्लावर इसलिए क्योंकि इसके जब फ्लावर्स होते हैं वो पेपर की तरह लगते हैं, इसलिए इसको पेपर फ्लावर कहते हैं। और इसकी एक ये भी वजह है कि जब इसके फ्लावर को हम छूते हैं तो बिल्कुल पेपर ऐसा लगता है कि हम किसी प्लास्टिक या पेपर के फ्लावर को छू रहे हैं, तो इस वजह से भी इसका नाम पेपर फ्लावर पड़ा है। तो ये देखिए, इसके फ्लावर्स बहुत सुंदर होते हैं और बहुत सारे कलर्स में आते हैं ये। तो ये जो प्लांट है ये तो मैंने सीड से ग्रो किया था और ये बहुत घना हो चुका है। और ये देखिए, मैं इसके साइड से ये ब्रांचेस भी निकल रही है, तो इसको हम काट के एक नया प्लांट भी बना सकते हैं। और इसकी मैंने पिंचिंग करी थी तो इसलिए ये प्लांट इतना घना हो चुका है। तो आप भी पिंचिंग करते रहिए तो आपका प्लांट भी इतना घना होता जाएगा, ना कि लेगी होगा। और लेगी प्लांट अच्छे भी नहीं लगते हैं, घने होते हैं वो प्लांट ही अच्छे लगते हैं और उनमें फ्लावरिंग भी ज़्यादा होती है। तो आप किसी भी प्लांट की पिंचिंग हमेशा करते रहिए ताकि आपका प्लांट दिखने में भी अच्छा लगता है और उस पर फ्लावर्स भी बहुत आते हैं। और बात करें इसके सनलाइट की, तो ये सनलाइट एक तो ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, तो जाहिर सी बात है इसको धूप में ही रखना होता है। और जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हो गए, चाहे वो समर के हो चाहे विंटर के हो, धूप में रखना इसको बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि फ्लावर पाने के लिए हमें धूप में रखना ही पड़ता है किसी भी प्लांट को। तो ये देखिए, इसका ये जो सीड्स हैं यहाँ पे ये तैयार हो चुके हैं। ये स्पेंट हो चुका था फ्लावर, तो मैंने इसको कट नहीं करा और इसी पे सीड्स बनने दिए। तो ये जो प्लांट है वो इस ये जो फ्लावर है इस पर सीड्स मैच्योर हो गए हैं। और ये देखिए, यहाँ से इसके सीड्स बनना स्टार्ट होते हैं। ये जो येलो येलो पार्ट दिख रहा है ना, इससे तो हमें सीड्स कलेक्ट करने के लिए फ्लावर्स को अब तोड़ना नहीं है, कट नहीं करना है। इस पे ही प्लांट पे इसके सीड्स तैयार होने दे, और जब ये सीड्स मैच्योर हो जाए इस तरीके के, तब इस फ्लावर को हमें कट कर लेना है। और अगर हम कट नहीं करते तो ये सीड्स है, इसके जो बीज है वो हवा के साथ उड़ जाएंगे। तो इससे पहले कि उड़ जाएं ये सीड्स, तो हमें इनको कलेक्ट करना है। तो ये देखिए, इस तरीके के इसके सीड्स होते हैं। ये इसमें वैसे तो कई सारे सीड्स होते हैं, बट हमें जो है हेल्दी सीड्स से कलेक्ट करने हैं, मैच्योर बिल्कुल, तो वो ही जर्मिनेट होंगे, अदरवाइज़ वो जर्मिनेट नहीं होंगे। तो मेक श्योर कि हम बिल्कुल हेल्दी और मैच्योर सीड्स ही कलेक्ट करें। तो ये इस तरीके के सीड्स हमें कलेक्ट करना है। तो चलिए, इस फ्लावर को अब हम कट करेंगे और इसमें से सीड्स निकालेंगे। तो कैंची की हेल्प से मैं इसको काट दूंगी साइड से। मैंने काट दिया है इसको। अरे नहीं, इस पे तो एक और फ्लावर कट हो गया है, इसमें तो सीड्स बने भी नहीं थे अभी। बट कोई बात नहीं, अगर एक और तरीका है कि अगर हम प्लांट पे ही सीड्स ना बनने दें और इसके फ्लावर्स को हम कट करके धूप में भी रख देंगे ना, तब भी इसमें सीड्स जो है वो तैयार हो जाएंगे। तो एक ये भी है कि हम इस ऐसे फ्लावर को धूप में रख दें, तब भी उसमें सीड्स जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। बट प्लांट पे बनने दें, वो सीड्स ज़्यादा हेल्दी और मैच्योर होते हैं, हेल्दी होते हैं एक्चुअली वो। तो धूप में सुखाने की बजाय आप प्लांट पे ही सीड्स बनने दें। बट मेरा तो ये कट हो गया था फ्लावर, तो इसको मैं धूप में रख दूँगी और इसमें से फिर ये सीड्स निकालूंगी। तो अभी तो ये जो फ्लावर है इसको इसमें से सीड्स निकालते हैं, क्योंकि ये इसमें सीड्स जो है वो बन गए हैं। तो ये देखिए,
एक फ्लावर में से हमें बहुत सारे सीड्स मिल जाएंगे, कम से कम 25-30 सीड्स तो मिल ही जाएंगे। तो ये सारे जो सीड हैं इसको निकाल लें। इसमें जो सीड्स होते हैं वो कॉटन, इसके ऊपर जो कॉटन जैसा फर टाइप होता है, तो इसकी वजह से ये हवा के साथ उड़ जाते हैं सीड्स। तो हमें इनको वक्त रहते निकालना होगा, अदरवाइज़ ये सीड्स उड़ जाएंगे और हम इनको कलेक्ट नहीं कर सकेंगे। तो टाइम पे इसको, इन बीजों को निकाल लें और सेव कर लें नेक्स्ट सीज़न के लिए। तो हम इनको कब लगाएंगे? सितंबर अक्टूबर में लगा सकते हैं इनको। तो ये देखिए, इस तरीके के सीड्स मैं आपको निकाल के बताती हूँ। ऐसे मेच्योर और सीड्स ही हमें सेव करके रखने हैं, बाकी को नहीं। ये देखिए, ये बिल्कुल हेल्दी और मेच्योर है, तो ये इजीली जर्मिनेट हो जाएंगे। तो बिल्कुल आपको भी इसी तरीके से ऐसे ही सीड्स जो है वो कलेक्ट करके सेव करके रखना है। तो मैं इसमें से ये जो अच्छे सीड्स हैं, जो बिल्कुल हेल्दी हैं, उनको मैं अलग करके फिर सेव कर लूँगी। तो ये देखिए, मैंने सारे सीड्स, जितने सारे सीड्स निकले हैं इसमें से, तो इनको इकट्ठा करके अब इनको पॉलीथीन में रख देंगे हम। पॉलीथीन में डायरेक्ट नहीं रखना है, जो मैं तो क्या करती हूँ, ये देखिए, ये इतने किसी काम के नहीं है ये, और ये बिल्कुल हेल्दी हैं। तो इनको अब डायरेक्ट पॉलीथीन में नहीं रखना है इनको, अब हम पहले पेपर में रखेंगे इनको, क्योंकि पेपर में रखने का क्या फ़ायदा होता है कि इसको एक तो हवा भी नहीं लगती है, और ये अगर इनमें कोई मॉइस्चर रहता है या रह जाता है तो वो जो पेपर है वो इसका मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, और ये जो सीड्स हमने कलेक्ट करके रखे हैं वो बिल्कुल सेफ़ रहेंगे, और इनमें कोई फंगस का लगने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। तो जब भी आप सीड कलेक्ट करें तो पहले पेपर में ही रखें इनको, या टिश्यू पेपर में रख सकते हैं, तो जिससे कि इसका जो मॉइस्चर रहता है वो ये पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा और सीड्स बिल्कुल सेफ़ रहेंगे। या तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसको, इन सीड्स को हम थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर में मिला के भी इसको रख सकते हैं, ताकि इसमें कोई फंगस की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और ये जो बीज है हमारे बिल्कुल सेफ़ रहेंगे और जर्मिनेट हो जाएंगे, इनमें कोई फंगस नहीं लगेगी। तो अब ये जो पेपर में मैंने सीड डाले हैं, इस पे अब हम इसका नाम लिख देंगे कि ये कौन से फ्लावर के सीड्स हैं, ताकि हमें याद रहे कि हमने इसमें कौन से सीड कलेक्ट करे हैं। तो मैं इस पे नाम लिख देती हूँ, ये पेपर फ्लावर का फ्लावर के सीड है, तो मैं इसके ऊपर पेपर फ्लावर नाम लिख देती हूँ, ताकि मुझे अगले सीज़न में जब भी मैं सीड लगाऊंगी तो मुझे याद रहेगा कि मैंने इसमें क्या रखा था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ़।